ऐसी हार की उम्मीद नहीं थी। हजम नहीं होगा, मुझे भी बहुत दुख हुआ है, और जिसे सब जने बताया कि किस क्या क्या गलतियां हुई है, लेकिन बहुत 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 दुख हुआ। और ये हार हमें बहुत बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, और पाकिस्तान ये हमेशा हमें याद दिलाते रहेगा, क्योंकि जो इंडियंस हमारे जो भारतीय थे बहुत मायूस होंगे। मुझे पता है कि हारने के बाद क्या होता है, सब सब जगह यही कहते हैंगे कि हारो, सबके साथ हारो, लेकिन पाकिस्तान से ना हारो। पाकिस्तान से मत हारो, और इतनी बुरी तरह जहां कोई संघर्ष ही नहीं दिखा। हरपाल जी, आपने कहा था एक बात, मुझे याद आ रही है मैच शुरू होने से पहले, कि ये एक तरफा मुकाबला होगा। वाकई सिर्फ आपने ऐसा कहा था? बिल्कुल कहा था, और आप मानने को तैयार नहीं थे। सारे बड़े दिग्गज थे, 300 बाल हैं, हम ये करें हम वो करें। मैं आपको एक बताऊंगा, हमारी हार की वजह यह है कि पिछले 4 साल से हमारे एक्सपर्ट्स ने अपने कमरों में बैठ के अपनी टीम को कहा जी सबसे बड़ी बैटिंग लाइनअप है, सब कमाल है। हम वर्ल्ड कप हार गए, हम T20 हार गए, अब चैंपियंस ट्रॉफी हार गए। अगर हमारी बैटिंग लाइनअप, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं कहता हूं हमारी टीम ऐसी ही है जैसी बाकी टीमें। आपने खुद ही बता दिया कि वर्ल्ड की बेस्ट बैटिंग लाइनअप, तो कहां गई बैटिंग लाइनअप, कहां गई T20 में बैटिंग लाइनअप? जी हाँ, बहुत निराशा की बात है हरपाल जी, यहां पर, बहुत गुस्सा भी है, निराशा भी है। मैं बोल नहीं रहा, प्रिया प्रिया के पास जाएंगे, प्रिया बहुत मायूस लग रही है। शांत हरपाल जी, विनोद कामली, शांत हरपाल जी, मैं किसाई नहीं कर रहा। आज पाकिस्तान ने हमारे कपड़े उतार दिया हमारी टीम के, यहाँ पर बैठ कर बोलना बहुत आसान है। 180 है कोई बात नहीं, 180 हारे हैं। शांत, प्रिया कुछ कहना चाहते हैं? बीच में जाओ, आप एक्सेप्ट नहीं करने के लिए आप लोग अपनी बहस बंद करिए। आपने कहा क्योंकि 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 क्या आप हार गए हैं और एक्सेप्ट कीजिए, यू लॉस वेरी बैडली, यू आर एक्सेप्ट एक्सेप्ट। लेकिन यार इतना कह रहा हूँ, बाहर बैठकर क्रिटिसाइज करना बहुत अच्छा है, आप बीच में जाओ। अरे मैं क्रिटिसाइज कर ही नहीं रहा, प्रेशर विनोद कामली हरपाल जी, कि शायद हमारी टीम में भी यूनिटी नहीं दिखी जैसी आप दोनों में अभी यूनिटी दिख रही है। यूनिटी की बात ही नहीं है प्रिया, यूनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज मानता हूँ, कोऑर्डिनेशन नहीं थी ना बैटिंग और ना बॉलिंग में। आप दोनों के शांत हो जाइए, एक एक करके अपनी बात बनाए रखिए, एक एक करके। हाँ, मैं आप क्या कहना चाहती है? विनोद की बात सही है, यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है। जो वहाँ पर खेलता है, जो वहाँ पर खेलता है उन्हें पता है, लेकिन हम हैं आम जनता, हमारी उम्मीदें लगी हुई रहती हैं। हमारा दिल टूटा है, वी आर फीलिंग रियली टेंशन, और जिस तरीके से हम लोग हारे हैं हार की डेफिनेटली चलती रहती है, लेकिन इस तरह की हार, देश के करोड़ों फैंस का दिल टूटा है। प्रिया, काम्या, राजू जी, आपका क्या कहना है इस बुरी हार के बारे में?